नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंदिशक न्यूज में। अंदिशको संबंधित लखीमपुर से एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। इसके साथ एक और समाचार अंदिशको संबंधित स्थानांतरण को लेकर आ रहा है, विस्तार से बात करेंगे। लेकिन छोटा सा निवेदन, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर खबर रखे आपको अपडेट। साथ ही जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सौरभ सिंह सोनू 143 कस्ताखीरी के ये विधायक हैं और इनको अंदेशक साथियों ने ज्ञापन दिया है अपनी मांगों को लेकर। वैश्विक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अंदेशकों के साथ हो रहे प्रपीड़न एवं मानवीय अधिकारों के संरक्षण के संबंध में ये ज्ञापन दिया गया है। विषय है, हम सभी बेसिक शिक्षा परिषद में कर्मठता से सेवा देने वाले अंदेशक कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप महानुभाव का ध्यान आकर्षित किए जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। महोदय, यह कि अंदेशक वैश्विक शिक्षा परिषद में निरंतर 10 वर्षों से एक सहायक अध्यापक की तरह गरीब एवं दलित बच्चों के शैक्षणिक उन्नयन को नवीन आयाम देने का कार्य कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है यह कि हम अंदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यताएँ एवं कार्य व्यवहार ठीक उसी प्रकार से है जैसा कि वैश्विक परिषद में कार्यरत अन्य शिक्षकों का। यह है कि अनिवार्य बल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 से संसक्त होकर हम अंदेशकों की नियुक्ति पारदर्शी, अधिनियमित एवं संवैधानिक तरीके से की गई है, जो NCTE द्वारा दिए गए मार्गदर्शन 2013 के अनुरूप है। चौथे पॉइंट में यह कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में शैक्षणिक सेवाओं के संविदात्मक उपबंधों की व्यवस्था कभी नहीं रही है। बावजूद इसके हम योग्य एवं प्रशिक्षित अंदेशकों मात्र 7,000 महीने के मानदेय पर संविदा की बेड़ी में जकड़ दिया गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में उत्कृष्ट योगदान एवं शैक्षणिक गुणवत्ता को नवीन आयाम देने वाले हम अनुदेशकों के मानदेय में कटौती भी की जाती जा रही है और यहां तक कि लोकतंत्र की आस्था के केंद्र रहे लखनऊ विधानसभा से भी हमारे मानदेय के संबंध में भिन्न भिन्न आंकड़े विधायकों को सदन की कार्रवाई में बताए गए हैं। ज्ञापन के पांचवें पॉइंट में यह कि उपेक्षित, तिरस्कृत और अवसाद से कुंठित अंदेशक लगातार अपनी पीड़ा एवं करहा को भिन्न भिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं के समक्ष उठाते आ रहे हैं। परिणाम स्वरूप प्रयागराज हाईकोर्ट ने हम अंदेशकों के अधिकारों एवं पुनीत कर्तव्यों की विशद व्याख्या एवं निष्पादन योग्य आदेशों को अभिनिर्णित किया है। छठे पॉइंट में लिखा है यह कि अपने न्यायिक निर्णयों के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध प्रयागराज हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के विभिन्न नज़ीरों एवं दिग्दर्शक सिद्धांतों को अपने न्याय निर्णयन में शामिल कर उत्तर प्रदेश सरकार को अनेक दिशा निर्देश पालन एवं करने योग्य आदेश दिए। लेकिन सामाजिक न्याय एवं समानता का नारा देने वाली सरकार हमारे अथाह कष्ट एवं करुण क्रंदन को नज़रअंदाज कर रही है। यह कि वर्तमान में हम अंदेशक मात्र 9,000 रुपये प्रति माह पर कार्य कर रहे हैं और हमारे अधिकांश साथी 40 वर्ष की उम्र सीमा पार कर चुके हैं। महोदय, संविदात्मक आबद्धता के कारण हम अंदेशक विकल्पहीनता के शिकार हो चुके हैं और हमारी सामाजिक एवं पारिवारिक सुरक्षा अत्यंत क्षीण हो चुकी है। अवसाद और निराशा के कारण अनेक अंदेशक साथी असमय काल के गाल में समा चुके हैं। मांग पत्र के आठवें पॉइंट में लिखा है यह कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार भारतीय विधायिका हम भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के मंदिर में करती है। इस व्यवस्था के कारण आप हमारे सभी अभिकर्ता एवं प्रेरणा भी हैं। महानुभाव, हमारे मानवीय एवं मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए और अपने पुनीत दायित्वों के पालन के लिए सदन से सड़क तक हमारी निर्दोष पीड़ा पर स्नेलेप लगाना आपका विधायी कर्तव्य बनता है। अतः महनीय महोदय, हम अंदेशक शैक्षणिक एवं सामाजिक इकाई के रूप में सदैव ही आम जनमानस के संपर्क में कार्य कर रहे हैं। हमारे द्वारा वर्षों पूर्व पढ़ाए गए बच्चे भी लोकतंत्र के महोत्सव में भागीदारी कर रहे हैं। एक जिम्मेदार शिक्षक एवं जागरूक नागरिक होने के बावजूद भी हमारे साथ होने वाला शोषण अपने चरमोत्कर्ष पर है। हमारे लिए बनाए गए नियम अत्यंत विभेदकारी हैं। अतः विनम्रतापूर्वक
हम समस्त उत्तर प्रदेश के अन्वेषक आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे मामले पर सदिच्छा एवं श्रद्धापूर्वक विचार करते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्राधिकारियों विवेताओं से परामर्श कर सरकार के समक्ष हमारे नियमितीकरण का प्रस्ताव रखने की कृपा की जावे। हमारे मामले को संसद एवं विधानसभा से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रश्नकाल एवं शून्यकाल में रिकॉर्ड पर लिया जाए। इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने की कृपा की जावे। हमारे हजार अन्वेषक सदैव के लिए आभारी रहेंगे। भवदीय मुकेश कुमार, प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी एवं अन्य अन्वेषक साथी, लखीमपुर खीरी। दूसरा समाचार स्थानांतरण समायोजन को लेकर है। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर 14/2/2023 का ये लेटर है। विषय है उत्तर प्रदेश वैश्विक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु अंतर्जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के संबंध में। तो साथियों, शिक्षक यानी कि जो नियमित शिक्षक हैं उनके लिए आदेश आ चुका है, लेकिन हो सकता है इसके बाद गुप्त सूत्र से सूचना मिल रही है अन्वेषक और शिक्षा मित्रों का भी अंतर्जनपदीय स्थानांतरण या साथी समायोजन की खबर भी मिल सके। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ समय पहले अभी सब्जेक्ट मैपिंग का कार्य पूर्ण किया गया था। इसी को लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि अन्वेषक और शिक्षा मित्रों की स्थानांतरण एवं समायोजन किए जाएंगे। तो ये थी खास खबरें, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए अन्वेषक न्यूज़ पर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।